हिस्ट्री पढ़ के देखो तुम, रेलवे लाइना बिछाइया गई और सब तो पहला जरा एशिया च कॉलेज से औरतों को पढ़ाई लिये किने खोलिया विलियम कैरी हुणा ने, औरतों ने क्या पढ़न दो इन्हों सदी प्रथा कि खत्म की थी विलियम बेंटिंग ने है ना, और नाल अपने देश के लोगों भी थोड़ा सोझी आ गई, राजा राम मोहन राय या होर सब ने नाल रले तो फिर सदी प्रथा जी जाने की औरत जो बंदा मर जाता से नाल सड़ के मरना पैंदा है। जंगली लोग सीगे चाहे नागालैंड या दूसरे जेडे बंद खा लेंदे सी, किन्ने मसीही लोग शहीद होए उथे गए और किमें उथे मारे गए, बार बार गए और जांदे सी उन्हां समझाउण, नंगे रहिंदे सी बंदियां नूं खा लेंदे सी और पशु सब चीजां कच्चियां खांदे सी, जानवर जैसे सी, और ये गए उथे अपने मसीही लोग और इन्हें उन्होंने सभ्यता सिखानी चाहिए, पर जद भी जांदे सी उन्होंने एक बार इन्हें कोशिश की हैलीकॉप्टर उत्ते घुमा के ब्रैड सुटते रहे, बड़ी वधिया वधिया फल सुटते रहे, बहुत चीजा रोज सुटते रहे, फिर इन्हां नूं पता लगे कि असीं दोस्त आ इन्हां दे, और बहुत चीजा सुटन तो बाद फिर जो आप बाद उतरे थले तो उन्हें जिन्हें उतरे पांच सात बंदे टीम सारिया उन्हें मार के खा लिया, और इस तरह पता नहीं किन्ने के शहीद हुए आ जंगली लोगों नूं ठीक करने लई। अंध महादीप वो जगह सी जिहड़ा सारे देशों चो वखरा कट होया सी, और टापू जिहा सीगा महादीप है ना आईलैंड, और कोई उथे जा नहीं सी सकदा, बहुत जंगलों के नाल घिरिया होया सीगा और उथे वखरे ही लोग रह रहे सीगे, उथे पता नहीं किन्ने की हिस्ट्री च आ मैं ये प्लस टू या बी ए दे किदा तीन बंदे जेड़े सीगे उथे गए और तीन बंद चो वो भी मर गया और एक बंदा शायद सफल होया, और किदा उन्हें ये बदल दिते। हालेलुया, बहुत वड्डा योगदान है पंजाबी बोली जी अज असीं बोल रहे जी, ग्रामर जी है डैनियल कैरी ने बनाई, क्योंकि उन्हें गिफ्ट सीगा लगभग 35 भाषा उन्हें आउंदियां सी, बूट बनाने वाला सी इंग्लैंड का बंदा, जुत्तियां बनाउंदा सी, रोंदा हुंदा सी कि प्रभु कि देश का उन्हें दुनिया का नक्शा रखिया सी सामने कि प्रभु मैनू भेज, मैं सारी दुनिया च प्रचार करना चाहुंदा है, और वो बूट बनाउंदा सी, ये भी गया उत्थे दी उन्हें भाषा सीखी, संस्कृत की डिक्शनरी भी उन्हें बनाई, पंजाबी भाषा की ग्रामर लिपि जिहड़ी आ ये भी उन्होंने देन है। हालेलुया, चाहे इतिहासक पक्ष है चाहे सभ्याचारक पक्ष है या कोई भी है। हालेलुया, फिर असीं इस तों बाद बाइबल वाल आउंदे आ कि एक गल्लां असीं कीतियां हां बाइबल नूं कि नूं किन्ना क मान प्राप्त है और किहड़े ने पक्खां च दुनिया की मदद की है, हुण असीं देखदे कि यह सच्चा ग्रंथ किदां है, किदां पता लग सकदा है, क्योंकि सारी दावा कर रहे हैं साडा सच्चा साडा सच्चा साडा ही कहिंदे सच्चा आ आही सच्चाई है, यह साबित करने लई कि कोई ग्रंथ परमेश्वर वालों है या नहीं, उहदे लई टैसट है, विज्ञान का टैसट है, साइंटिफिक टैसट है, हिस्टोरिकल टैसट है, इतिहास का टैसट है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होने का सच है, सर्वव्यापी तौर पर गल सच्ची ठहरे, और इस बाद कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं उहदे च, अपने लफज बाइबल या कोई भी ग्रंथ है वो एक दूजे ना विरोध नहीं करते लफज, अगर अपनी अखर अपनी गल किसी ग्रंथ की अपनी गल दूजी गल कटती हो रब वालों कि हो सकता, वह अपने ही विरोध है, अगर इतिहास चो गल हुई ही ना हो इतिहास उन्होंने गलों प्रमाण ही ना करता हो फिर झूठा आया, ठीक है। और असी बाइबल में इन्हें लगभग चार टैसटां चार तो ज्यादा ची क्या बल्कि असी चार मेन टैसट या जे पहला गल करते हैं इन्हें चों च सारे ग्रंथ फेल हो जाते हैं, पर बाइबल में इन्हें चों टैसटा चो कढ के कुछ होर टैसटा च भी असी कढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। नंबर एक यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ हुंदा है कि कोई परमेश्वर अगर गल कवे, सारी दुनिया परमेश्वर की रचना है, चाहे वह काले आ चाहे गोरे आ चाहे पीले आ चाहे लाल है चाहे प्राउन है चाहे जिदा की मर्जी शक्ल आ चाहे लंबे आ नीवे, कोई भी देश क्यों ना हो, सारी सब देशों का सारी दुनिया का रचनहारा एक ही है परमेश्वर। आमीन, इसलिए अगर वह परमेश्वर सारी दुनिया का रचनहारा एक ही है तो जेड़ा हुक्म दिंदा है जेड़ी आग्ञा दिंदा है वह सारी दुनिया दे विच लागू होने चाहिए, अगर वह हुक्म सारी दुनिया च लागू नहीं हुंदा तो वह परमेश्वर वालों नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया परमेश्वर की रचना है इसलिए वह हुक्म सारी दुनिया च लागू होना चाहिए। जिवें कि कुछ कोई धर्म यह कहे
कि जब परमेश्वर का धर्म जेड़ा है वह इदा का धर्म होना चाहिए जेड़ा सारी दुनिया च फिट बैठ सके। आमीन। जेड़ा परमेश्वर धर्म दवे या जेड़ा परमेश्वर हुक्म दवे, जिवें कि अगर कोई ग्रंथ यह कहे कि लंबे बाल रखने दे नाल मुक्ति आ, लंबी दाढ़ी रखने दे नाल मुक्ति आ और इहदे नाल बचा है, तो यह गल सारी दुनिया च लागू नहीं हो सकती। कोरिया च गल नहीं लागू हो सकती, जापान च गल नहीं लागू हो सकती, चीन च गल लागू नहीं हो सकती, मलादा सिंगापुर च भी नहीं हो सकती, उत्थे भी लोगों की दाढ़ी है ही नहीं कि कितने कितने बाल भी हो रही तरह के हैं। लंबे बाल रखने की थ्यूरी पंजाब च तो फिट बैठ सकती है, इतने इतने लोग है ना, इतने का वातावरण इदा का आ और इतने तो फिट बह जाओ, पर सारी दुनिया च लागू होंगे ने। अगर इस यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हों कहते हैं सर्वव्यापी सच्चाई, सर्वव्यापी सारी दुनिया चो गल सच ही साबित होवे, सारी दुनिया चो गल सच्ची ठहरे, ओही ग्रंथ सच्चा है। आमीन। और अगर ओदी सच्चाई जिवें बाल रखने की गल कर लो, जिवें जिवें मीट खाने की गल कर लो, कहते कि आ नहीं खाना वो नहीं खाना, जिवें कहते कि अगर मीट खाऊंगे तो मीट खाना बड़ा गलत आ, तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ये गल पंजाब च तो लागू हो सकती, कुछ देशों च तो लागू हो सकती जिते फसल होंदिया है बहुत कणक आ, पर कुछ देश आ जिन्हों एसकीमो देश कहते आ जे टापू आ, उत्थे मच्छी का तेल वो रोशनी करने लिए बाल दे आ, लैंप ले मच्छी का तेल ही वो वरत दे आ, अपनिया सब चीजा ले खाण पीन लाने ले सा मच्छी ही खाते हैं, उत्थे हरियावल नहीं कुछ भी नहीं गा, फिर वो तो सारे ही मारे गए। वो इलाके जेडे इदा दे आ जिथे अनाज है नहीं गा, उत्थे ते सच्चाई फिर फेटे नहीं बैठी, जेड़ी खाना आ नहीं खाना की थ्यूरी आ। बाइबल किते नहीं लिखा इदा भी आ कर लो तो कर लो, आ नहीं खाना वो नहीं खाना, इदा का ढंग है नहीं गा। पर जेड़े इदा के धर्म है कितने कि तक कि सारी दुनिया चो लागू हो सकती गल, जो हो सकती तो हां कह दो, बोलो तो सही, नहीं हो सकती फेल हो जाते। पहला ही टेस्ट जेड़ा है सर्वव्यापी सच, ये ही सारे फेल हो गए, अगे तो होर टेस्ट आ इस फेल हो जाते। वही ग्रंथ सच्चा है जिदी सच्चाई सारी दुनिया च लागू हो सके। आमीन।